चुनावी मौसम में वादों और दावों की झड़ी लग जाती है, लेकिन क्या जो 2012 में जनता से वादे किए गए थे उन्हें पूरा करने में सफल रहा शासन और प्रशासन? इसी की हकीकत को जानने के लिए इंडिया 24/7 की टीम चित्रकूट के सेमरिया जगन्नाथवासी गांव पहुंची और चौपाल के जरिए जनता की राय जानने की कोशिश की। क्या निकलकर सामने आया रिपोर्ट में देखिए। देश के गांव देश की धड़कन है, देश की तरक्की गांव की तरक्की पर निर्भर है। गांव खुशहाल होंगे तभी देश की खुशहाल तस्वीर का सपना पूरा हो सकता है। यह है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले का सेमरिया जगन्नाथ वासी गांव, जहां इंडिया 24/7 की टीम ने एक चौपाल लगाई। इस चौपाल में गांव के प्रधान से लेकर ग्रामीण इकट्ठा हुए और अपने दिल की बात रखी और उन उम्मीदों के टूटने का दर्द बयां किया जिसका सपना ये सालों से देखते आए हैं। आपको बता दें कि चित्रकूट जिले की आबादी 9,91,730 है, जिसमें महिलाओं की संख्या 4,63,525 है और 5,28,205 पुरुष हैं। वहीं चित्रकूट जिले के सिमरिया जगन्नाथ वासी गांव की कुल आबादी 3,000 है और यहां मतदाताओं की संख्या 1,900 है। इस गांव के चौपाल में हमारी टीम ने सबसे पहले बात की यहां के प्रधान से, जिन्होंने बताया कि गांव में समस्याओं का अंबार है जिन्हें वो दूर करना चाहती हैं, पर अधिकारियों के ढुलमुल रवैये से वो ऐसा करने में असमर्थ हैं। गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या तो रोड की है। यहाँ से खोई से और आगे यूपी को जोड़ती हुई एक रोड है, वो जो जगह जगह पर ध्वस्त पड़ी हुई है। अभी एक 10 दिन पहले एक पुलिया टूट गई थी जिसमें से बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, हमारे ही गांव के एक लोगों का है, और दूसरी पुलिया भी टूट गई है। और इस पे हमने कई बार तुरंत हमने डीएम के पास मैं खुद गई थी, उनको रिपोर्ट करने बताया, उनको सीडीओ साहब को भेजा, पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आवाज जब बहुत बड़ा दुर्घटना हो गई है तब जाके आज मिट्टी डाले हैं वो। हम लोग चाह तो रहे हैं कि गांव का बहुत अच्छा विकास हो, पर अधिकारी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इस चौपाल में हर उम्र हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया और सभी ने मूलभूत सुविधाओं के ना होने की परेशानी को बयां किया। फिर चाहे बिजली हो, नल, पानी की व्यवस्था या शिक्षा, और तो और गांव से अस्पताल जाने के लिए इन्हें 20 से 25 किलोमीटर का रास्ता तक तय करना पड़ता है। बिजली, नल, सारी व्यवस्था गड़बड़ है यहाँ की, कोई सुनता नहीं। कोई भी अधिकारी यहाँ पर जाते हैं जिसके पास, वो चक्कर लगवाता है, एक भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। कह रहे हैं एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन से हो जाएगा। आज 2 साल से एप्लीकेशन देते देते यहाँ की जनता सारी परेशान है। गायों की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, न कोई गौशाला खुलवा रहे हैं, न एसडीएम साहब डीएम साहब कोई नहीं सुन रहे हैं। स्कूल की व्यवस्था नहीं है, और यहाँ पर मान लो किसी की तबीयत खराब हो जाती है, वो अस्पताल यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। यहाँ जो है बंदरों की बड़ी भारी समस्या है। गांव में जितने खपरेल घर बने हुए हैं वो खप्पर जो है सब फोड़ फाड़ देते हैं, जिससे जो है चूते हैं घर और गिर रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ गायें जो है आवारा फिरती हैं, फसल नष्ट कर रहे हैं। दो मुख्य समस्याएं हैं मेरे समझ में। जब भी कहा जाता है अभी तुम्हारे इशू नहीं हुए, इसके बाद जब इशू होंगे तब तुम्हें गला मिलेगा, ना तो गला मिल रहा। कल यही जूनियर स्कूल में 3 किलो दूध लाया गया है जिसमें 5 किलो पानी मिला के बच्चों को पिलाया गया है। मास्टरों को 10 बजे का टाइम है जिसमें 11 बजे यहाँ आते हैं, 12 बजे आते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। समस्या बहुत समस्या है, पर बात यह है कि समस्या का निदान आज तक नहीं हुआ है। मतलब खराब सड़कों से लेकर आवारा जानवरों की समस्या से ये लोग दो चार होते हैं, चेहरों पर चिंता की लकीरें हैं। ये कहते हैं कि अधिकारी सुनते नहीं और राजनीति चरम पर होती है। हमारे गांव में का नाम से सबसे ज्यादा परेशानी है जानवर की। जानवर जितनी फसल है सब नष्ट कर जाते हैं। बाहरी जानवर भी हमारे गांव में बहुत लोग छोड़ जाते हैं, इससे सारी फसल चौपट है। हमारे यहाँ एक सड़क गई है बाईपास, उसमें इतना बड़ा नाला हो गया है नई सड़क में कि कल परसों भी एक आदमी गिरा है कि उसका पूरा शरीर घायल हो गया है, उसकी कोई सुनाई नहीं हो रही है।
इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि उसकी पूरी सुनवाई की जाए। नल की व्यवस्था, पानी जो ये पाइपलाइन है, बोर अभी हुआ है, वो बोर भी नहीं सफल हुआ, उस बोर को फिर से कराया जाए, पानी की व्यवस्था कराई जाए, पाइपलाइन डलवाई जाए। बहुत सारी अभी वो हैं, हमारे यहाँ विद्यालय भी नहीं है, न कोई स्वास्थ्य केंद्र है, न कोई वो है। किसी भी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाए तो जब रात हो तो कभी नहीं, ये तो चित्रकूट जाए या तो कभी कर भी जाए, यहाँ कोई भी अस्पताल नहीं है। यूपी से एमपी जाने वाली रोड है, बाबूपुर पढ़ा मार्ग में, वो नाला है, उधर के आदमी उधर खड़े रहते हैं, इधर के इधर खड़े रहते हैं। उसमें जब बाढ़ आती है तो पाँच छः छः घंटे बाढ़ रहती है, तो आदमी वहीं के इधर के इधर उधर के उधर खड़े रहते हैं सर। तो उसकी व्यवस्था के लिए आप, हाँ, उसको ऊंचा किया जाए कि ये मुद्दा तो सब लोग बता ही दिए, रोड वाला जो कार्य है ये सही में ऐसा है कि दो तीन कांड हो चुके, इसमें कोई सुनवाई नहीं है। तो सबसे पहले इसको सुना जाए, फिर हमारे यहाँ स्कूल जो है, क्या कहते हैं, कोई नज़दीक नहीं है। हमारे यहाँ की जो सयानी लड़कियाँ हैं वो बाहर भेजते हैं, वो ऐसा है कि वो बाहर बहुत कम जा पाती हैं। तो स्कूल की सबसे बड़ी भारी समस्या स्कूल की है, और एक अस्पताल है कि जो कि हमारे यहाँ अस्पताल कम से कम 20-25 किलोमीटर की दूर में है। यदि रात में कोई आदमी बीमार हो गया तो एक हमारे पास में नाला है, यदि वो पानी हो रहा है तो वो नाले से पार नहीं हो रहा, वो मरीज जो है यहीं का यहीं, वो मरे चाहे जिए चाहे कुछ भी रहे। तो ये थे चित्रकूट के गांव से चौपाल, जहां लोग सिर्फ इलाके की तस्वीर बदलने का इंतजार कर रहे हैं। ओमकार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7, चित्रकूट।